So in this lecture, we will be studying about the theories of stratification. तो हम इसमें basically तीन main theory देखेंगे stratification की और तीन approaches देखेंगे stratification की. एक तो हम ये देखेंगे कि functionalist approach to stratification, functionalist stratification को कैसे देखते हैं. उसमें हम बात करेंगे Talcott Parsons के बारे में और Davis and Moore की theory के बारे में, ठीक है. साथ के साथ हम क्रिटिसिज्म देखेंगे ऑफ दिस फंक्शनल अप्रोच ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बाय मेलविन ट्यूमेन, राइट. इसके साथ विल बी डीलिंग विद द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है. तो मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे हम और उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द वेबेरियन अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन और वेबर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में कैसे डील करते हैं, राइट. सी, वेबर्स अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ और अ रिविजन ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन. तो वेबर कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री करते हैं मार्क्स के साथ, राइट. वेयरएज मार्क्स वाज सेइंग कि स्ट्रेटिफिकेशन यूनिडायमेंशनल मैनर में देखते हैं. इनइक्वालिटी इज ओनली सीइंग इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट. बाकी जो फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी है, बाकी जो डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी है, उसको मार्क्स निगलेक्ट करते हैं. इसी का क्रिटिसिज्म देते हुए वेबर बोलते हैं और अपना ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन देते हैं. उसमें बोलते हैं इनइक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, स्ट्रेटिफिकेशन कुड बी ऑर्गेनाइज ऑन वेरियस बेसिस. तो देर इन ही टॉक्स अबाउट थ्री फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, राइट, जिसमें हम बात करेंगे क्लास, स्टेटस एंड पावर की, ठीक है. नाउ अनदर अप्रोच टू सर्टिफिकेशन इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच. अगर टाइम बचेगा देन वी ऑल्सो बी टेकिंग अ लुक इन टू अ वेरी ब्रीफ लुक इन टू इस इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच टू सर्टिफिकेशन. अदरवाइज इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस, नाइदर इट इज दैट इंपॉर्टेंट, राइट. तो हम बेसिकली तीन मेन पर्स्पेक्टिव पढ़ेंगे सर्टिफिकेशन का, फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड वेबेरियन. सी, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू सर्टिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन व्हाइल आई वाज कवरिंग मार्क्स, ठीक है. उसको मैंने एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला था कि दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन. एसेंशियली इन मार्क्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, ऑपरेशन इन सोसाइटी, ठीक है. तो आई विल बी गिविंग यू सर्टेन नोट्स इन माइंड मैप फॉर्मेट विच यू कुड कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड पर्टेनिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन. उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, राइट, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच टू सर्टिफिकेशन, दैट इज विल बी स्टार्टिंग विद द फंक्शनलिस्ट, द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन. सी, फंक्शनलिस्ट का बेसिक प्रिमाइस और बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है, राइट. द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शनलिस्ट इज दैट कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल. हमने देखा था वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, फॉर सोशोलॉजिकल पर्पज, सोशोलॉजिस्ट एज सच डू नॉट technically differentiate between social inequality and stratification. They considered it to be the same, right? ठीक है. The basic argument of functionalist is that stratification, हमने देखा था introduction lecture में कि stratification is universal, right? Stratification or inequality is universal. That is, it is found across, it is found in all societies, right? Societies across time and space. Right, across time and space, in all socio-cultural context you will find stratification, right. So they say
कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज अ मिथ, एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज अ यूटोपिया. दिस इज देयर डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद द मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म और कम्युनिज्म जब आएगा तो उसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी, देयर विल बी नो इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट. वेल्थ इक्वालिटीज होगी, राइट. देयर विल बी अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट. अबोलिशन ऑफ द फोर्सेज ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, राइट. तो उसी को कम्युनिज्म बोला, ठीक है. लेकिन ये बोलते नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ठीक है. हाउएवर द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, राइट. हाउएवर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इट माइट मैनिफेस्ट इट सेल्फ. स्ट्रेटिफिकेशन मैनिफेस्ट itself, right, differently in varied socio-cultural contexts, इसका मतलब क्या है कि जो stratification है, it is, although it is universal, but it is not uniform, right. स्ट्रेटिफिकेशन इज वॉट, स्ट्रेटिफिकेशन इज मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज इन वेरिड सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. इट विल वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, राइट. इट्स फॉर्म विल वेरी, its form and content will vary from society to society. That is, it will acquire different form, it will acquire different avatar in different societies, right. ठीक है, so stratification different societies में different form लेगी, so it is multidimensional, it is not uniform, it varies across societies in time and space, and it is found in all the societies, so thereby it is universal. ठीक है, तो कभी स्ट्रेटिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास और वेल्थ, इकोनॉमिक क्राइटेरिया. कभी किसी सोसाइटी में डोमिनेंट मोड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होगा रेस, रेस के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल इन स्लेवरी. ठीक है, कभी स्ट्रेटिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फॉर एग्जांपल इन हिंदू सोसाइटी, स्पेशली इन एंशंट हिंदू सोसाइटी, राइट. तो कभी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ठीक है. सो स्ट्रेटिफिकेशन विल अक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स, इट विल अक्वायर डिफरेंट अवतार इन डिफरेंट सोसाइटीज, राइट. सो इट विल वेरी अक्रॉस सोसाइटीज, बट इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, राइट. नाउ उनका मतलब क्या है, व्हेन दे से इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, देन यूजिंग द टेलियोलॉजिकल अप्रोच, राइट, दैट इज द एंड जस्टिफाई द मीन्स. हमने टीलियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट पार्सन्स, राइट. तो मतलब अगर वो स्ट्रेटिफिकेशन हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ फंक्शनल, इट इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी, कुछ ना कुछ वो उसकी यूटिलिटी है, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट है, राइट. सो सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन, राइट, स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल टू सोसाइटी. अगर वो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, नाउ दिस इज देयर लॉजिक, राइट. अगर हर एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल है, राइट. स्ट्रेटिफिकेशन हैज सर्टेन यूटिलिटी, राइट, बेनिफिट्स और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसको हम बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ फंक्शंस हैं, राइट. सो देयर आर्ग्यूमेंट इज दैट स्ट्रेटिफिकेशन इट मीट्स द, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, स्ट्रेटिफिकेशन इट मीट्स और फुलफिल्स द फंक्शनल, प्री रिक्विजिट्स ऑफ सोसाइटी, राइट. ये हमने पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट Parsons. So I want to be explaining this
term again, right? So stratification, it meets functional prerequisites, right? It fulfills functional imperatives. Yeah, hum bol sakte hain, it meets societal needs. ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है सोसाइटी में, उस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, उस सोसाइटी के लिए उसकी कुछ यूटिलिटी है, राइट? वो सोसाइटी के फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स मीट करती है, उसके फंक्शनल इंपेरेटिव्स या सोसाइटल नीड्स मीट करती है. ठीक है, सो स्ट्रेटिफिकेशन वी कैन से इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस, ग्रोथ and survival of society, and survival of society. ठीक है, तो this is the basic argument. तो Talcott Parsons क्या बोलेंगे, stratification क्या है? Talcott Parsons will say stratification is a evolutionary universal, that is it is absolutely important for functioning of society. ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है फंक्शनलिस्ट का. तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी से डिराइव्ड है. अगर हमारे जो फंक्शंस, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस फॉर द बॉडी. हार्ट, ब्रेन, लंग्स का अलग अलग फंक्शन है. ऐसी अगर स्ट्रेटिफिकेशन हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शनल यूटिलिटी होगी. इट इज़ हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, राइट? इट इज़ मीटिंग द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, द सोसाइटल नीड्स. सो इट इज़ performing certain functions for a society, it has certain utility for society, and that is why it is existing in all societies across time and space in different forms, right? So since it is universal, it is found in all societies across time and space, it must be functional for society, right? So this is their basic argument. To hum abhi kya hai pura baat karenge ki stratification ke functions kya hai, how is it beneficial, how is it performing certain positive functions for a society, right? वो हम देखने की कोशिश करेंगे. तो इसमें सबसे पहले आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू Talcott Parsons. Talcott Parsons क्या बात करते हैं, what are his views on stratification? ठीक है, तो Talcott Parsons सबसे पहले यही बात करते हैं. His first line of argument is that कि जो society है, right? In society there is value consensus. There is a value consensus in society. हमने पढ़ा था. ठीक है, तो हर एक society की shared values हैं, राइट? शेयर्ड वैल्यूज है. ठीक है, दैट इज कि क्या वो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं, उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनके उनकी शेयर्ड वैल्यूज है, राइट? देर इज अ अंडरलाइंग वैल्यू कंसेंसस, दैट इज दे वैल्यू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल, वैल्यूज रिलेट टू कि किसको वैल्यूएबल समझा जाएगा, किसको इम्पॉर्टेंट समझा जाएगा, किस चीज़ को वर्थवाइल समझा जाएगा. सो दिस विल बी डिफाइंड बाय द सोसाइटल वैल्यूज. व्हाट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल, इम्पॉर्टेंट एंड वर्थवाइल इन सोसाइटी, दैट इज डिटरमाइंड बाय द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. उसी से वैल्यू टर्म आया, व्हाट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इन शेयर्ड वैल्यूज को अचीव करना है सोसाइटी के मेंबर्स को, राइट? सो इट लीड्स टू द डिफाइनिंग ऑफ कलेक्टिव गोल्स ऑफ सोसाइटी, कलेक्टिव गोल्स ऑफ सोसाइटी, राइट? सो इट लीड्स टू डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव गोल्स ऑफ द सोसाइटी. वैल्यू कंसेंसस का मतलब है देयर इज अ कंसेंसस
or there is an underlying agreement amongst the members of society, underlying implicit agreement among the members of that particular society, there is a value consensus, right? They share the similar values. Har ek society ki values alag alag hai. So values is what? That is what is considered worthwhile, important and valuable in society. ठीक है, so it will vary from society to society, it will depend on the societal context कि उस society में किस चीज की value ज्यादा की जाती है, what is considered more valuable or important or worthwhile in that society, तो वही determine करता है उस society के collective goals, right? So what would members be essentially be doing, right? So the activities हम बोल सकते हैं the activities and actions of individuals of society, of individuals or members of society right, it will be driven towards क्योंकि ये क्यों हो रहा है, why are these members pursuing, because वो जो वैल्यूज हैं वो इंटरनलाइज कर चुके हैं, उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन हुआ है. हमने देखा था कि हाउ कल्चरल सिस्टम शेप्स द पर्सनैलिटी सिस्टम, राइट? सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बिकॉज उनमें एग्रीमेंट है, वैल्यू कंसेंसस है, सेम थिंग इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू परस्यू इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. सो द एक्टिविटीज एंड एक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल बी ड्रिवन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ दीज collective goals, towards attainment of these collective goals and thereby realization or fulfillment of values of society. ठीक है, तो बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि हर एक सोसाइटी का वैल्यू कंसेंसस है, शेयर्ड वैल्यूज है, कलेक्टिव वैल्यूज है सोसाइटी में, राइट? दीज वैल्यूज गॉट इंटरनलाइज विद इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट? सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी देर इज एन अंडरलाइंग कंसेंसस और एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, देर इज वैल्यू कंसेंसस विद इन द सोसाइटी, राइट? So this value consensus matlab what is considered valuable, important and worthwhile to pursue in that particular society. So it will, these values will determine the collective goals of the society, right? So all the activities or actions of the individuals of the society, since they are properly socialized, will be driven towards attainment of these collective goals, and once you attain these collective goals, thereby you realize the shared values of the society, right? अब इसको हम समझते हैं कि फिर नाउ हाउ इज स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन की क्या यूटिलिटी है, राइट? तो पार्सन्स बात करते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या करता है, ठीक है? वो बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इट रैंक्स, राइट, इंडिविजुअल्स it ranks the individuals, right, in hierarchy, ठीक है, in terms of their contribution towards attainment of these collective goals and thereby realization of these shared values of society, right? जो individuals अपने work के थ्रू, right, वो क्या है, ज़्यादा contribution देते हैं to in these collective goals, right, they will be placed higher in the hierarchy, right, because these people help the society to meet the collective goals and thereby attain its values, realize or fulfill its value, ठीक है?
तो हम बोल सकते हैं कि those individuals who excel, right, who excel in realizing the shared values of society we can say they will be placed at the apex or topmost positions of stratification system, right? ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगेन मैं बार बार ले चुका हूँ. जैसे सियोक्स इंडियंस जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब था, राइट, ये क्या किस टाइप की सोसाइटी थी? ये थी वॉर सोसाइटी. दिस इज अ वॉर सोसाइटी, मतलब उस टाइम पे देर वॉज लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स, राइट, बहुत फाइटिंग चल रही थी डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में, ठीक है. और मैंने आपको बताया था डिफरेंट ट्राइब्स वर फाइटिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर ओन ट्राइब. और हमने देखा था बूटी कैपिटलिज्म, बाय डिफीटिंग द अदर ट्राइब दे विल अक्वायर द रिसोर्सेज ऑफ दैट ट्राइब, राइट. तो वो ट्राइब जितनी वॉर्स को जीतेगा उतना एक्सपेंड करेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉस्परस होगा. सो इट वॉज ए वार बेस्ड सोसाइटी, ठीक है. तो यहां पे कलेक्टिव वैल्यूज क्या होंगी? यहां पे सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू किया जाएगा? कलेक्टिव वैल्यूज क्या होंगी? दीज विल बी द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ करेज. करेज को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाएगा, ब्रेवरी, राइट, लीडरशिप एंड फाइटिंग स्किल्स इनको सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाएगा, राइट. तो जो इंडिविजुअल्स इन वैल्यूज को ज्यादा अचीव करेंगे, दैट हु विल बी मोर करेजियस, हु विल बी मोर ब्रेव, राइट, हु विल एक्ट एज लीडर्स, राइट, हु हैव ग्रेटर फाइटिंग स्किल्स, राइट, दैट इज द टॉप मोस्ट वॉरियर्स, राइट, ठीक है. तो इन्हीं में से ही कोई वॉर चीफ बनेगा, इस ट्राइब का चीफ बनेगा, बिकॉज इन जो वैल्यूज में एक्सेल करेगा वो कलेक्टिव गोल्स हेल्प करने की कोशिश करेगा सोसाइटी की, राइट. कलेक्टिव गोल्स ऑफ सोसाइटी क्या है? पीस, सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, डिफेंस, एक्सपेंशन ऑफ ट्राइब, राइट. दीज कलेक्टिव गोल्स आर शेप्ड बाय द अंडरलाइंग वैल्यू कंसेंसस. और वो वैल्यूज क्या होंगी? Which will be considered valuable in this society is these values: courage, bravery, honor, leadership, pride. These will be more valued in the society. So all the members of the society who are socialized in this particular society, right? All the activities of the members of the tribe will be towards attainment of these collective goals, right? The peace, security, defense, and expansion of tribe. And this could only be done by realizing the values of the society by through these values, right? So these will be placed. तो जो individuals इन values में excel करेंगे, right? Those individuals who have greater skills, capabilities, talent, right? They will be given greater rewards in terms of wealth, prestige and power, right? They will be placed at the top of the stratification system. जिसमें कम capabilities होंगी, जो कम collective goals achieve कर पाएगा, जो कम values को realize कर जाएगा, subsequently they will be ranked lower. So it depends on your contribution, to society, right? ऐसी अगर आप देखो दूसरे example की मदद से, American society. अब
अगर मैं अमेरिकन सोसाइटी की बात करूँ, दिस सोसाइटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, दिस इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो किस में, उसमें किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता है? वेल्थ को, राइट? मनी को, राइट? हु कैन जनरेट मोर वेल्थ, मोर मनी, मोर इनकम? तो ये बिकॉज कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, राइट? तो वो जो इन वैल्यूज को ज्यादा अटेंड कर लेगा, राइट, दैट इज द सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, हु कैन क्रिएट मोर वेल्थ और जनरेट मोर मनी, बिकॉज दीज आर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दीज हैव कैपिटल वैल्यूज, एंड दीज कैपिटल वैल्यूज मतलब वो दैट डिफाइन देयर कलेक्टिव गोल्स, पोजेशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ, मटीरियल पोजेशन, कंज्यूमरिज्म बढ़ाना, वेल्थ जनरेट करना सोसाइटी में, GDP बढ़ाना सोसाइटी का, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट. सो दीज पीपल हु कुड एक्सेल इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज, दे विल बी प्लेस एट द टॉप ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, राइट? तो इसलिए यहाँ पे क्या आप किसको देखोगे? जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, राइट? दीज पीपल, स्पेशली जकरबर्ग, ऑल दीज पीपल, दे ऑलवेज ऑक्यूपाइड द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ अमेरिकन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन, द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज दे एक्सेल इन टर्म्स ऑफ द अमेरिकन वैल्यूज. नाउ दीज पीपल विल, अगर इनको इन्हीं पोजिशन, इन पीपल को इफ आई प्लेस इन दिस सोसाइटी, दीज पीपल विल नॉट हैव एनी रेलिवेंस इन दिस सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स और एबिलिटी और टैलेंट आर जज्ड, राइट? सो इट विल बेसिकली, इट विल वेरी अक्रॉस सोसाइटी, राइट? अक्रॉस सोसाइटी. तो डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, एंड इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दिस वैल्यूज, उन अपनी स्किल, एबिलिटी और टैलेंट के बेसिस पे इंडिविजुअल उन वैल्यूज को कितना अचीव कर सकता है, उन कलेक्टिव गोल्स को कितना अचीव कर सकता है, उसके बेसिस पे उनका स्ट्रेटिफिकेशन होगा. तो अगर मैं मार्क जकरबर्ग को वॉरियर सोसाइटी में डाल देता हूँ, ही विल प्रोबेबली बी लाइंग एट द बॉटम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एज फार एज सीओक्स इंटर्न इज कंसर्न, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैल्यू कंसेंसस, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज, दे हैव डिफरेंट एम्स एंड कलेक्टिव गोल्स, राइट? देयर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, ठीक है? सो इसलिए बेते क्या बोलते हैं कि आपका जो स्किल और एबिलिटी और टैलेंट का मेजर करने का जो पैमाना है, इट इज बेसिकली अ सोशल प्रोसेस. और यहां से क्लियर हो रहा है कि वो सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को आप यहाँ पे टॉप मोस्ट स्ट्रेटिफिकेशन में लाई कर रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी में. सेम अगर आप टाइम ट्रेवल करके पुरानी सोसाइटीज में जाते हो, अमेरिकन सोसाइटी जहाँ पे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थे, सीओक्स इंडियंस थे, वहाँ पे दीज काइंड ऑफ पीपल हु पोजेस दीज काइंड ऑफ स्किल्स, दे विल बेसिकली लाइक एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम. सो द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट, असेसमेंट क्राइटेरिया आर डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट सोसाइटीज हैड डिफरेंट वैल्यूज, राइट? So it is not that individuals have innate or inborn inequalities, rather these inequalities are created socially. This is what Bethe was talking about, right? So this is the function of first हमने देखा, it helps in realization of or fulfillment of value of collective values of the society and attainment of collective goals of the society by placing individuals in the stratification hierarchy in terms of their skills, ability and talent, whereby they can help in attainment of these values or who excel in terms of these values, right? So it is functional for society. Second, baat karte hain Parsons. Parsons bolte hain, see, in every society you require proper organization of work, right? You require proper organization of work. हर एक सोसाइटी में जरूरत होगी, ठीक है? Every society requires proper organization of work. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि essentially you have to divide complex or large task, right? अगर आपको वर्क ऑर्गेनाइज करना है तो कॉम्प्लेक्स और लार्ज टास्क को यू हैव टू डिवाइड देम इनटू
you have to divide them into numerous, right, large scale task को आपको, complex task को आपको numerous small task में divide करना पड़ेगा, right? And these tasks are assigned to different individuals. These tasks are assigned to different individuals. और यहीं से ही तो आपका division of labor निकल के आता है. तो हर एक सोसाइटी में अगर उसको अपने वर्क को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया करना है, तो हर एक सोसाइटी को अपनी जो पूरा जो वर्क है और जो कॉम्प्लेक्स लार्ज टास्क है, उसको छोटी छोटी न्यूमरेबल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा. एंड दीज टास्क हैव टू बी एलोकेटेड और असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट. इसी को तो हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं. सो डिविजन ऑफ लेबर क्या बोलते थे, Durkheim was a functionalist, says division of labor is universal. It is found in across all the societies, right? ठीक है. तो small scale societies में mechanical solidarity है, तो वहाँ पे division of labor will be different. Whereas in the large scale complex societies, modern industrial societies, the form of division of labor will be different. It is more complex and specialized. But division of labor is there in every society, because you need to divide tasks and assign it to different individuals, right? तो हम क्या कर रहे हैं? See, basically, it requires in every, now this fulfillment of this task, it requires basically, जिसमें क्या है, control, मतलब देखो, different individuals क्या है, they will be assigned different tasks. तो हर एक लार्ज स्केल टास्क में बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि सी आपको इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑपरेशन लाना है, कोऑर्डिनेशन लाना है, राइट. इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑपरेशन लाना है, कोऑर्डिनेशन लाना है, और इनको गाइड करना और डायरेक्ट करना है. सो इट विल ऑलवेज बी द केस कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो प्रॉपर वर्क का, कि दीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी मैनेज्ड बाई फ्यू पीपल, राइट. दीज यहाँ इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इनको डायरेक्शन, गाइडेंस देनी है, सुपरविजन करना है, इनके वर्क को मॉनिटरिंग करना है. तो ऑलवेज दिस विल बी डन बाय फ्यू पीपल, ठीक है. तो यहाँ से क्या बोलते हैं वो कि नाउ दिस वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन direction, supervision or monitoring right, हम बोल सकते हैं guidance of many individuals, right, of many by few. Of many by few. तो जब few कुछ लोग, जब ये large scale task को divide किया जा रहा है, this is been allocated to different people on the basis of various criteria. This work is assigned to different people. Basically, you need to ensure कि all these people will be working in coordination. They will be working in synergy. They will be working in cooperation with each other, right? So basically, if you want to guide them, direct them, or supervise them, or you have to issue commands, or you want to control them, command and control is basically requires supervision of many by few people. So iska natural corollary kya hai? Now through natural corollary we can say ki power differences emerge karenge. So this large scale organization of task, proper organization of work, division of labor, and this coordination or cooperation of many by few people, iski wajah se natural corollary hai ki power differences arise karenge aur authority relations will arise in society.
ठीक है, तो अपने आप ही स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप करेगी, तो स्ट्रेटिफिकेशन हेल्प्स इन दिस कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, राइट, डायरेक्शन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, गाइडेंस ऑफ मैनी बाई फ्यू. अगर स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे नहीं होगा तो हम क्या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं होगा, राइट. वी वॉन्ट बी एबल टू डू और अकम्प्लिश द टास्क ऑफ द सोसाइटी थ्रू कोऑपरेशन. तो हमेशा हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन है, राइट, और वर्क है, इट इज अ कलेक्टिव इंटरप्राइज. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने ये मुहावरा सुना होगा. तो इसका मतलब क्या है, हमने बात की थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मार्क्स कि प्रोडक्शन इज अ कलेक्टिव एंटरप्राइज और यू हैव टू डू कैरी आउट द वर्क विद इन द सोसाइटी, देन इट हैज टू बी डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. सो दिस डिवीजन ऑफ लेबर, राइट, और when you do this coordination, cooperation, this will automatically, it is a natural corollary that power differences will emerge. Some people will be enjoying more authority than others, right? तो इसलिए वो बोलते हैं कि stratification का ये second function है, right? To ensure cooperation, coordination, direction, to ensure effective organization of work, right? To ensure this collective enterprise, to ensure this mutual reciprocity, right? और अगर मैनी वाई फ्यू देखेंगे तो मैनी बेसिकली अगर देखो, मैं अगर मॉडर्न टाइम्स में देखूँ, दिस इज लेबर क्लास और फ्यू मतलब मैनेजीरियल क्लास, मैनेजर्स और वर्कर्स आ गए. अगर इसी को देखूँ, दिस इज बेसिकली द वर्किंग क्लास, द लोअर क्लास, और मैनेजर्स और इन पोजिशन में ज़्यादातर क्या होंगे, ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे द मिडिल क्लास. तो स्ट्रेटिफिकेशन तो अराइज होगा ही, और स्ट्रेटिफिकेशन की यूटिलिटी है बिकॉज कलेक्टिव एंटरप्राइज है वर्क. कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करना है तो स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा. नेचुरल कोरोलरी है कि यू हैव कि वर्क ऑफ मैनी पीपल विल बी कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल हु विल गाइड देम. सो दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज नेचुरल हेयर. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पार्सन्स. पार्सन्स बोलते हैं कि पीपल at the top of stratification systems, right, those people who lie at the apex position or topmost position, right, ठीक है, they will function or use the power they have or use the authority they have, right, to fulfill or to augment public interest, right. जो लोग stratification system के top पे लाई करते हैं, apex positions पे लाई करते हैं, वो अपनी जो resources हैं, अपनी जो power है, अपनी जो authority है, right, even resources, for example जो industrialist करते हैं, they will be using these resources, their power or authority that is bestowed upon them to augment the public interest ya phir to maximize collective interest of the society, to maximize collective interest of the सोसाइटी. और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या देते हैं पार्सन्स. पार्सन्स बोलते हैं दीज पीपल आर प्लेस्ड इन दिस टॉपमोस्ट स्ट्रेटा बिकॉज दीज पीपल हैव सर्टेन यूटिलिटी, बिकॉज दे एक्सेल इन टर्म्स ऑफ अच्छी अटेनमेंट ऑफ कलेक्टिव गोल्स ऑफ द सोसाइटी. That is why they are placed at the top of the stratification systems. That is why their skill, ability or talent is recognized. They are given more rewards, prestige, because they could excel in terms of societal values. So it means that they are using their authority or resources to augment or maximize collective interest or the public interest of the society. Tabhi to unko top pe rakha ja raha hai. Theek hai? So this is his argument. So
this exercise of authority, he says it is natural, just, proper, fair and legitimate. See, अगर वो society के collective interest को maximize नहीं करेंगे, if they will want to be excelling in terms of achievement of the values of the society or fulfillment of the collective goals of the society, they will be dethroned from their positions, right, or the status they occupy in the stratification system, because if they are not functional for the society anymore, तो उनको उस position में नहीं रखा जाएगा, because जो criteria society ने decide किया था वो यही था कि आप अगर collective goals को augment करते हैं या collective goals को attain करते हैं और value consensus को realize करते हैं, जैसे हमने देखा Sioux Indians में और American industrialist को हमने देखा, अगर आप वो नहीं करोगे then you will be dethroned from your positions. तो यहाँ पे basically क्या हो रहा है कि collective interest of the society, right, you could write this down, collective interest of the society is commensurate with the self interest of the individual. ठीक है, क्योंकि तभी आपको सेल्फ इंटरेस्ट आपका तभी बढ़ रहा है, आपको रिकॉग्निशन, ऑनर, प्रेस्टीज, वेल्थ तभी मिल रही है इफ यू आर मैक्सिमाइजिंग द कलेक्टिव गोल्स ऑफ द सोसाइटी, देयर बाय यू आर फंक्शनिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट, ऑगमेंटिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट. रूसो इसको क्या बोलेंगे यहां पर, जनरल विल, राइट, मैंने डिस्कस किया था रूसो के बारे में जब पढ़ाया था, जनरल विल इज कमेंसुरेट और इज इन प्रोपोर्शन, राइट, जनरल विल इज कमेंसुरेट विद द रियल विल. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर थ्री एग्जाम्पल्स आई विल बी गिविंग यू. एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैं बात करता हूं द अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और द इंडस्ट्रियलिस्ट इन सोसाइटी. सी, वो टॉप मोस्ट पोजिशन इसलिए अक्वायर ऑक्यूपाई किए हैं क्योंकि वो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, राइट, दैट इज वो जीडीपी ऑगमेंट कर रहे हैं. इफ दे स्टॉप जनरेटिंग वेल्थ दे वॉन्ट बी फुलफिलिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट एनी मोर एंड दे वॉन्ट बी प्लेस्ड एट दिस टॉपमोस्ट पोजिशंस. वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, वेल्थ, इनकम ऑगमेंट कर रहे हैं सोसाइटी की. दैट इज वाई, और दे हैव टू, दे आर कंटिन्यूअसली इनोवेटिंग, इनोवेशन है उनका, तभी तो क्या है, फ्रॉम डे इन एंड डे आउट दे आर एबल टू जनरेट सो मच अमाउंट ऑफ वेल्थ, दे प्रोवाइड सो मैनी जॉब्स, राइट, दे कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट्स, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड टू इकोनॉमी. हम बात करते हैं जब टाटाज की, अंबानीज की, बिरलाज की, अडानी की, राइट, ऐसी जकरबर्ग की, बेजोस की, ऑल दीज पीपल आर अटेन आर मैक्सिमाइजिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट. ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे देन ड्यू टू द कंपिटिटिव स्पिरिट्स ऑफ द इकॉनमी, कंपिटिटिव स्पिरिट्स ऑफ द इकॉनमी, राइट, दे विल बी डीथ्रोन्ड. अडानी इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बिकॉज ही कुड डू दिस, शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ा रहा है, राइट, दैट इज वाई ही कुड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, नो, दिस इज देयर बेसिक आर्ग्यूमेंट. अगर वो ये नहीं करेंगे देन ड्यू टू द कंपिटेटिव स्पिरिट्स ऑफ द इकोनॉमी दे विल बी पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट, जैसे अनिल अंबानी के साथ हुआ है, राइट, बिकॉज ही स्टॉप फुलफिलिंग द कलेक्टिव गोल्स और मैक्सिमाइजिंग द पब्लिक इंटरेस्ट और मैक्सिमाइजिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट. तो वो बोलते हैं वो यहाँ पे दोनों क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, कमेंसुरेट है, जनरल विल और रियल विल कमेंसुरेट है. तो हम बोल सकते हैं अथॉरिटी और रिसोर्सेज दे यूज इज नेचुरल, दिस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और पावर इट इज इन पब्लिक और कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट. और ऐसी हमने जब बात की सियोक्स इंडियंस की, तो जो वार चीफ है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉर सोसाइटी में कि ही हैज टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी,
right? Defense, law and order, expansion of territory of tribe, expansion of territory of tribe. ऐसे ही he has to win wars, right? And distribute the spoils of war amongst its people. जो वहाँ से resources और spoils of war आप acquire कर रहे हो warring tribes से, defeated tribes से, उनका acquire करके you have to distribute these among your people and make the people of your tribe more wealthy and prosperous. If they still stop maximizing this collective interest, साथ के साथ देखो warrior chiefs को भी क्या है, उनका भी self interest भी fulfill हो रहा है. They are getting more esteem or status in that particular society. They are enjoying more power. But this should be commensurate. This is his basic argument. So stratification ensures this. This ये क्या बोलते हैं आपके Parsons. ठीक है. और अगर मैं ऐसे ही आपको example लूँ, Parsons बात करते हैं democracy की. He says in democracy, politicians enjoy power because people voted for them, they placed their trust or confidence in these politicians, right? So these people are trustees of people's vote and confidence. So these people are accountable to people. These politicians are accountable. They have to work for public interest. They have to augment the कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट? लोगों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए दे टॉक अबाउट विकास और डेवलपमेंट, इसलिए दे टॉक अबाउट मेक इन इंडिया, इसलिए दे लॉन्च वेरियस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. दिस इज व्हाई दे आर डूइंग दिस, राइट? वो बोलते हैं दीज आर ट्रस्टीज. If you don't want to be able to fulfill or to fulfill these their promises to the people, they will lose the confidence of the people and people will vote them out in the next general elections. This is what Parsons is trying to argue, right? So until and unless you maximize the collective interest, till the time you maximize the collective interest, only till that time you will be able to remain at the this topmost hierarchy. तो इसी में ही क्या है, हिरार्की बनाई जा रही है, राइट? लोगों की, ठीक है. दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ पार्सन्स. अब हम चलते हैं सेकंड थियरी, डेविस एंड मूर. सी, अगर क्वेश्चन आता है फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन, आप किसी को इंक्लूड करो या ना करो, पार्सन्स की बात मत करो या ना करो, लेकिन दीज आर द मेन पीपल, डेविस एंड मूर. उन्होंने अपनी 1945 में थियरी दी थी. तो अगर फंक्शनलिस्ट अप्रोच से कोई क्वेश्चन आता है तो इनका स्कॉलर्स का नाम आपको इंक्लूड करना ही करना है, राइट? दे आर द की फीचर और द सेंट्रल स्कॉलर्स एज फार एज फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन इज कंसर्न्ड. तो सबसे पहले आपको ये इनके बारे में मेंशन करना और उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल एंड देयर बाई इट मीट्स द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सोसाइटी, बेसिक आर्ग्यूमेंट के साथ. उसके बाद देन इंट्रोड्यूस डेविस एंड मूर, देन राइट अबाउट पार्सन्स. फिर उसके बाद तो क्या है, हम पढ़ेंगे लास्ट में क्रिटिक के साथ, यू कुड एंड दिस, राइट? तो डेविस मूर क्या बोलते हैं, डेविस एंड मूर बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इट हेल्प्स इन रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस. सी, अगर क्वेश्चन भी आता, अगर खाली डेविस और मूर के बारे में पूछते हैं तो देन इवन देन यू हैव टू स्टार्ट विद स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल एंड देयर बाय इट इज सिंस इट इज अ इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल, इट मस्ट बी फुलफिलिंग सर्टेन और सर्टेन फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द सोसाइटी, इट मस्ट बी मीटिंग द सोसाइटल नीड्स, राइट? फुलफिलिंग द फंक्शनल इंपेरेटिव्स एंड देयर बाय इट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी. So society stratification is performing certain functions. Now what kind of function stratification is performing, then we have to introduce these thinkers, then you have to start with Davis and Moore, and if time permits or if they ask, then you could also introduce Parsons right after that. Now what is role allocation and performance? See, inka basic premise or basic argument kya hai,
बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है. द फर्स्ट बिफोर दैट वो बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इट हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ रोल्स. मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का फंक्शन क्या है, इट्स टू मैच, द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू मैच राइट पर्संस, राइट टू मैच और टू मैच राइट पर्संस, इस पे रैंक भी लिख सकते हो, टू रैंक और मैच राइट पर्संस और राइट पीपल और राइट इंडिविजुअल्स इन राइट पोजीशंस और राइट जॉब्स. रोल एलोकेशन, ठीक है. अब इनका बेसिक प्रीमाइस पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका बेसिक प्रीमाइस क्या है. सी डेविस एंड मूर का बेसिक प्रीमाइस ये है, दिस इज वट दे आर्ग्यू. डेविस और म्यूर क्या आर्ग्यू करते हैं कि कुछ जो जॉब्स हैं राइट और कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो सोसाइटी में इस दे से कि सम जॉब्स और ऑक्यूपेशंस राइट इन सोसाइटी are functionally more important than other jobs or other occupation, right? This is their basic premise. वो सभी jobs और occupations को क्या है इक्वल पैमाने पे नहीं देखते हैं, इक्वली नहीं देखते हैं. वो बोलते हैं कि कुछ जो पोजीशंस हैं, कुछ जॉब्स और ऑक्यूपेशंस हैं, दे आर फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी, राइट. दे प्ले ग्रेटर फंक्शंस फॉर सोसाइटी. तो आपका एक स्केल ऑफ मेजरमेंट है, राइट. इस पैमाने पे, इस स्केल पे आप बोल रहे हो कि कुछ जॉब्स आर फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. दे परफॉर्म मोर फंक्शंस फॉर द सोसाइटी. दे आर क्रिटिकली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी. दे आर क्रिटिकल फॉर सोसाइटीज, राइट. सम जॉब्स आर क्रिटिकल फॉर सोसाइटी. जैसे अगर मैं बात करूं और पूछूं आपसे, एक रॉकेट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, राइट, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जॉब वो बोलेंगे इट इज मोर फंक्शनल, इट दिस जॉब होल्ड्स मोर यूटिलिटी, इट इज मोर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट देन मे बी एन अनदर जॉब, फॉर एग्जाम्पल द जॉब ऑफ ए जेनिटर और स्वीपर और अ क्लीनर, ठीक है. दिस इज देयर बेसिक प्रीमाइस. और वो बोलते हैं कि दीज जॉब्स, राइट, दीज जॉब्स, अगर आपको इन जॉब्स को ऑक्यूपाई करना है, इनको फुलफिल करना है, इन ऑक्यूपेशंस में जाना है, दे रिक्वायर, दीज जॉब्स रिक्वायर वर्क विच आर मोर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, मोर फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, मोर फंक्शनली इंपॉर्टेंट. दीज जॉब्स रिक्वायर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग, longer periods of training, हर किसी के बस की बात नहीं है न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना, उसमें आपको longer periods of training चाहिए जाएगी. It requires acquisition of unique set of skills, acquisition of unique set of skills, ठीक है. अगर आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है, राइट, यू कुड अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट अयूब खान वाज फॉर पाकिस्तान, राइट, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान, हाउ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट दैट पर्सन वाज, हाउ क्रिटिकली फॉर मोर फंक्शनली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, फॉर पाकिस्तान एज अ कंट्री दैट पर्सन वाज, राइट, ठीक है.
And similarly, we could say in the similar light, Homi Baba in India, right? Or Sir APJ Abdul Kalam, right? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि if you want to occupy these jobs, you require longer periods of training or acquisition of unique set of skills. और अगर इसको अगर आपको करना है तो you have to sacrifice a lot, which requires sacrifice, right? Deference of gratification. आपको gratification क्या है, differ करना पड़ेगा. UPSC का example ले लो. All of you are preparing for UPSC, right? Because there is, उसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा. Let me complete this argument first, right? Because this requires sacrifice, deference of gratification, right? और क्योंकि ये skills को acquire करने में it requires a longer period of training, more focus, right? Focus, hard work and dedication, right? You need to put in a lot of efforts in order to acquire these skills. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि लेकिन लोग इतना एफर्ट क्यों करेंगे, वाई वुड द पीपल बी पुशिंग सो मच हार्ड, वाई वुड बी दे विल पुटिंग इन सो मच एफर्ट, सो दे नीड टू बी मोटिवेटेड, राइट? दीज पीपल दे नीड टू बी मोटिवेटेड, सो दिस मोटिवेशन is in terms of rewards extended to them, the rewards of wealth, esteem, honor or status of society that is attached with the job and or power. That is why they will be sacrificing. If you will be giving them more rewards, more wealth, more esteem, status or honor, more privileges or and more power, only then they will be sacrificing so much in order to attain these skills. Simple example would be, you are currently preparing for UPSC. आप इतनी मेहनत कर रहे हो, you are living in social isolation, you are not interacting with anyone. 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, right? Although 12 hours is too long. ठीक है, deference of gratification कर रहे हो, movies नहीं देखने जा रहे हो. यार जो बाकी जो आपके दोस्त हैं इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, दे आर लिविंग देयर लाइफ, पर लेकिन आप एक कमरे में बंद करके अपने आप को क्या है, सिमेट के रख रहे हो. क्यों कर रहे हो आप इतना सब कुछ? सी पीपल से दे आर डूइंग इट फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स. आई रियली डू नॉट बाय दैट आर्ग्यूमेंट, राइट? दैट इज गुड इनफ फॉर इंटरव्यू. सी इफ यू वॉन्ट टू सर्व सोसाइटी, दे आर मल्टीपल एवेन्यूज टू सर्व सोसाइटी, बट वाई UPSC? बिकॉज इसके थ्रू क्या है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, ऑनर है उस चीज के साथ एसोसिएटेड, प्रेस्टीज है उसके साथ एसोसिएटेड, उसके साथ पावर एसोसिएटेड है. दैट इज व्हाई यू पीपल आर वर्किंग सो हार्ड, राइट? सो दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको ज्यादा उनको रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, राइट? सो इसीलिए स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इमर्ज करता है व्हेन यू आर ensuring the role allocation. This is the basic reason as to why stratification emerges and what is the function or utility, right? So stratification basically it matches the skill, ability, talent or capability of the individuals, right? These skills are in terms of hierarchy. Some people possess more skill, ability, talent. Some people possess more skill, ability, talent, capability. Some people are more focused, they are more hardworking. So you need to match the people who possess these skills, that is the people who possess these skills with the jobs. Right? So you need to place the people who are more skillful in functionally more important jobs. And thereby, this hierarchy of skills, ability and talent should be matched with the hierarchy, because wo bolte hain not everyone has same set of skills, right? So this should be matched. Theek hai, now what is the scale of measurement?
ठीक है, मैंने बात की यूपीएससी की, मैंने बात की न्यूक्लियर साइंटिस्ट की। सिमिलरली फंक्शनल यूनिकनेस, द पीपल हु ऑक्यूपाइज दीज पोजिशंस, राइट, दे पोजेस ए यूनिक सेट ऑफ स्किल्स। दीज यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, नॉट एवरी वन कुड पोजेस दीज यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, राइट। सो दीज पीपल आर लिमिटेड विद इन द सोसाइटी। सो इट इज बेसिकली इकोनॉमिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सो दे हैव फंक्शनल यूनिकनेस, वो जो फंक्शन और परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी देर आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स हु कुड परफॉर्म दीज फंक्शन, राइट, हु कुड रिप्लेस दीज इंडिविजुअल्स, हु कुड रिप्लेस दिस इंडिविजुअल, दैट इज दिस, दैट इज वाई दीज पीपल आर मोर रिकॉग्नाइज इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया, वेल्थ, स्टेटस एंड पावर, राइट। जैसे मैं आपको बोलूँ, डॉक्टर और नर्स, इसमें से कौन ज़्यादा फंक्शनली इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, तो डेविस एंड मूर बोलेंगे डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर, जैसे मेरा फ्रेंड है, वो MBBS कर लिया, उसने MD कर लिया, और उसको पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, राइट, तो उसको क्या है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये यूनिक सेट ऑफ स्किल्स हर कोई एक्वायर नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स दिस सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ठीक है। सो नॉट एवरी वन पोजेस दिस यूनिक सेट ऑफ स्किल्स। तो मैं अगर बोलूँ डॉक्टर और नर्स में से फंक्शनल यूनिकनेस और फंक्शनल देयर बाई फंक्शनल यूटिलिटी और विच इज मोर फंक्शनल इंपॉर्टेंट, कौन है, डॉक्टर एज कम्पेयर टू नर्स, बिकॉज नर्स की स्किल्स आप रिलेटिवली ईजिली एक्वायर कर सकते हो वैन यू कंपेयर इट विद द डॉक्टर्स, राइट। सो नर्स कुड बी ईजिली रिप्लेस्ड, वेर एज डॉक्टर्स नो कुड नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रू सम बेसिक स्किल्स दे कुड बी जेनिटर, स्वीपर्स और क्लीनर्स, बट नॉट एवरी वन कुड बी अ रॉकेट साइंटिस्ट। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस दिस पीपल बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, राइट। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन की यूटिलिटी क्या है, क्योंकि आपको राइट पर्सन को राइट जॉब में मैच करना है, रोल एलोकेशन करना है, यू हैव टू मैच पीपल आर मोर स्किलफुल हु पोजेस मोर एबिलिटी एंड टैलेंट विद द पोजिशंस विच आर मोर फंक्शनली इंपॉर्टेंट। सो दीज पीपल कुड नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड बिकॉज दे हैव पुट इन सो मच एफर्ट, एंड वाई दे हैव पुट इन सो मच एफर्ट, इट इज ओनली ड्यू टू स्ट्रेटिफिकेशन, बिकॉज ओनली ड्यू टू इनइक्वालिटी। अगर आप सभी को इक्वल कर दोगे, नो वन विल बी पुशिंग सो मच हार्ड, अगर सबको सेम रिवॉर्ड दोगे, वाई विल सम पीपल बी वर्किंग हार्ड। अगर मैं अभी बोलूँ एवरी वन कुड बी एन IAS, देन यूटिलिटी IAS की खत्म हो जाएगी, तो वो जो सर्विस का क्राइटेरिया पूरा चला जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ओपन रिक्रूटमेंट है, पीपल कुड बी IAS, राइट, तो वो यूटिलिटी, वो स्टेटस उसके साथ अटैच्ड, वो चला जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आर्ग्यू, ठीक है। प्लस परफॉर्मेंस, वो बोलते हैं कि पीपल, अगर आपको एफिशिएंसी लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशन में और वर्क में, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस लेके आनी है, राइट, देन यू हैव टू गिव देम मोर एफिशिएंट पीपल मोर रिवॉर्ड्स, राइट। सो एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एट वर्क शुड बी कमेंसुरेटली रिवॉर्डेड, तभी तो आपके एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, रिव्यू क्यों होता है, आपकी असेसमेंट की जाती है। तो परफॉर्मेंस इंश्योर करनी है, एफिशिएंसी इंश्योर करनी है, और उसके कमेंसुरेटली आपको रिवॉर्ड देने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, पीपल हु डू मोर ऑपरेशंस, हु कैरी आउट मोर ऑपरेशंस विद इन इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ब्यूरो, दे आर गिवन प्रेसिडेंट मेडल, राइट, दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड बिकॉज द पर्सन वॉज एफिशियंट, उनका प्रमोशन फास्टर होगा, राइट, राइट, प्रमोशन फास्टर होगा तो ज़्यादा एसेंशन गेन कर पाएंगे हिरार्की में, राइट। सो दिस परफॉर्मेंस, और इन ऑर्डर टू इंश्योर परफॉर्मेंस एंड एफिशियंसी, सब्सिक्वेंटली यू हैव टू गिव दैम रिवॉर्ड्स, तभी तो मोटिवेशन आएगा, राइट। दिस रिवॉर्ड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशंस, इन द फॉर्म ऑफ मोर वेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ मोर स्टेटस, और इन द फॉर्म ऑफ मोर पावर, राइट। तो अगर मैं बात करूं, आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको पता हो, इंडियन सिविल सर्विसेज कॉर्नवॉलिस के से पहले, कॉर्नवॉलिस ने क्या किया, इनकी सैलरी इतनी बढ़ा दी इंडियन सिविल सर्वेंट्स की, कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर द हाईएस्ट पेड सर्विसेज इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पेड सर्विसेज,
in the entire world, across the entire globe. Why they were being paid so much? So as to ensure efficiency, to reward performance. Because and major reason kya tha? Efficiency badhana aur corruption ko kam karna aur inefficiency ko kam karna. This was the major reason. Right? If your rewards is not in commensuration with efficiency and performance, then people will not be motivated anymore. They will start engaging in shirking of work, right? They will start avoiding work. They will turn into work shirkers, right? Similarly, they will engage in other kind of activities to earn money. They will engage in corruption, right? So it will, their efficiency will automatically decrease. So that is why you are giving them more rewards. It is a kind of incentive system, and that is how stratification is emerging, and stratification is function for the society, right? तीसरा मैं बात करना चाहूँगा पीटर सॉन्डर्स, राइट. उनका क्या है बेसिकली, सी वो क्या है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि दे ही क्रिटिसाइजेज द मार्क्सिस्ट, राइट. दैट इज हिज ओनली आर्ग्यूमेंट, राइट. पीटर सॉन्डर्स से इज वेयर एज फॉर्मल इक्वालिटी, राइट. फॉर्मल इक्वालिटी हमने पढ़ा था, पीटर सॉन्डर्स बात करते हैं फॉर्मल इक्वालिटी. वेयर एज फॉर्मल इक्वालिटी and equality before opportunity, sorry, equality of opportunity is desirable, right? But he criticizes the Marxist. He criticizes the Marxist because Marxists talk about absolute equality, right? He criticizes the Marxist because Marxists want equality of outcomes. और वो बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स विल लीड टू टायरनी, रिप्रेशन, वायलेंस एंड इनजस्टिस इन सोसाइटी. ऐसा क्यों होगा, राइट. इक्वालिटी ऑफ आउटकम होगा, राइट. यू आर गिविंग एवरीवन सिमिलर रिवॉर्ड्स, राइट. If there is no differential distribution of reward, differential distribution, see आप rewards को differentially distributes कर रहे हो और skill, ability और talent जिसमें ज़्यादा उसको ज़्यादा rewards दे रहे हो, right? Stratification यही function था, ठीक है. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो why would people be motivated? They will lack motivation. राइट. अब हर कोई ओपन कर दिया मैंने यूपीएससी, एवरी वन वुड बी एबल एलिजिबल और दे कुड बिकम सिविल सर्वेंट एट देयर ओन विल, राइट. और या फिर सिविल सर्वेंट का जो स्टेटस है, मैं अगर उसको रिक्शा वाले के स्टेटस के इक्वल कर दूं, सी मोस्ट ऑफ द पीपल कुड बी रिक्शा वाला, डज नॉट रिक्वायर दैट मच स्किल. डेविस और मूर का आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, बट नॉट एवरी वन कुड बी ए सिविल सर्वेंट. सो सिविल सर्वेंट इज फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट दैन अ रिक्शा वाला. Therefore, some jobs are critically or functionally more important for society as compared to other jobs or occupations. So you have to reward these jobs more, right? तो वो बोलते हैं कि no differential distribution of rewards. अगर आप absolute equality और outcome की equality ensure कर दोगे, irrespective of person's hard work, right? Irrespective of individuals. Hard work, skills, right, talent, ability. अगर आप irrespective of how much they are putting in or how much they are pushing themselves to achieve new heights in work, right, irrespective of that, you are ensuring equality of outcome. तो क्या है वो बोलते हैं, अगर उनको आप differently reward नहीं करोगे in terms of prestige, wealth and power, then they will lack motivation to work. No one will be working hard because you have ensured equality of outcome. Why would people want to become a civil servant if a rickshaw wala could earn just as much? That is why Marx was saying, I could be a fisherman in morning, then I could be a poet or intellectual in evening, right, or a scholar in evening, right? So because everyone is getting the same pay, equality of outcome.
लेकिन एक्चुअल में मार्क्स हमने देखा था कि दैट वॉज नॉट हिज मेन आर्ग्यूमेंट, राइट, उनका डिफरेंट आर्ग्यूमेंट था, ठीक है. तो वो बोलते हैं इट विल लीड टू टेरेनी, रिप्रेशन, इनजस्टिस तो हमने देख लिया, बिकॉज वी आर रिवॉर्डिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली. तो इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन बींग फेयर और बींग जस्ट. जब मैंने बताया था इक्वालिटी इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट इक्वालिटी और ट्रीटिंग एवरी वन आइडेंटिकली, इट इज बींग द ट्रीटमेंट शुड बी नेचुरल, फेयर एंड जस्ट. अगर एक मदर बड़े बच्चे को और छोटे बच्चों को सेम ट्रीट करेगी, सेम फूड देगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंस इन फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट्स, तो दैट वॉन्ट बी अ जस्टिस एट ऑल. ज़्यादा बड़े बच्चे को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी, समझ रहे हो आप. सो वो बोलते हैं कि सिंस नो वन विल बी मोटिवेटेड टू वर्क, देन स्टेट विल एंगेज इन रिप्रेशन, राइट. स्टेट विल बी फोर्सिंग द इंडिविजुअल्स, राइट, और कोअर्सिंग द इंडिविजुअल्स, फोर्सिंग द इंडिविजुअल्स टू वर्क हार्ड. अगर आप मोटिवेशन हटा देते हो, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम हटा देते हो, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा देते हो, देन द स्टेट विल बी फोर्सिंग द इंडिविजुअल्स टू वर्क हार्ड, राइट, फोर्सिंग द इंडिविजुअल्स टू वर्क हार्ड एट गन पॉइंट और यूजिंग कोअर्शन, थ्रेट ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ पुटिंग दीज पीपल इन जेल्स. सो दीज सोसाइटीज विल बिकम रिप्रेसिव. और वो स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, सॉन्डर्स, यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट द सोशलिस्ट सोसाइटीज, जिसमें आपने क्या है, वेल्थ की इनइक्वालिटीज को अबोलिश कर दिया है, राइट. दीज सोसाइटीज आर बिकमिंग रिप्रेसिव एंड ओप्रेसिव बिकॉज ड्यू टू दिस स्ट्रेटिफिकेशन को आपने हटा दिया, विच वॉज यूजफुल टू द सोसाइटी. और वहाँ पे भी अगर बात करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन वेवर, बोलेंगे वहाँ पे भी पावर इनइक्वालिटी है, स्टेटस इनइक्वालिटी है. सो दीज आर नॉट कम्प्लीटली इक्वल सोसाइटीज. इवन दो द वेल्थ हायरार्की इज फ्लैटेंड, इट इज नॉट मोर अ पिरामिड एनी मोर, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हैव कम डाउन, द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द गैप हैज डिक्रीज्ड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, बट स्टिल दिस इज वाई दीज सोसाइटीज आर गेटिंग मोर एंड मोर रिप्रेसिव, राइट. सो दिस वॉज द फंक्शनल व्यू पॉइंट. नाउ मैं इनको क्रिटिसाइज करूंगा, मेलविन ट्यूमन की बात करूंगा, राइट. See, now we'll be discussing about the critique of functionalist approach, especially the criticism of Davis and Moore by Melvin Tumin, right. So I have made a table. तो इसमें basically तीन columns हैं. First column मैं deal करूँगा कि किस criteria पे वो criticize कर रहे हैं, right. Second column is the position that are taken by functionalist or the arguments of functionalist. This column pertains to the criticism of that particular argument of functionalist by Melvin Tumin, right. तो specially Davis and Moore को criticize करते हैं वो. सबसे पहले बात करते हैं functionality of positions, right. This is the criteria. तो functionalist like Davis and Moore क्या बोलते हैं कि some occupations or some jobs or some roles are functionally more important than others, right. This is what we discussed इन डेविस एंड मोर्स स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी. इसको क्रिटिसाइज करते हुए ट्यूमिन बोलते हैं कि देर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटीरिया, देर आर नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब्स, राइट. किस ऑक्यूपेशन को ऊपर रखा जाए हिरार्की में और किसको नीचे रखा जाए, राइट. तो डेविस एंड मोर बोलते हैं कि सम पोजिशंस और जॉब्स आर क्रिटिकली मोर इंपॉर्टेंट और दे आर मोर फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, राइट, कंपेरेटिव टू अदर्स. तो रिलेटिव फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, उनके रिलेटिव फंक्शनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वो उनको हिरार्की में प्लेस करते हैं. लेकिन मूर बोलते हैं कि देर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, देर आर नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, राइट, और देर इज नो पर्टिकुलर स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव स्केल ऑफ मेजरमेंट यूजिंग विच यू कुड रैंक दीज ऑक्यूपेशंस, राइट. तो एक अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं. सी ही सेज व्हाइल कंसिडरिंग the hierarchy of a particular factory or an organization, right, a typical manufacturing factory, he says the labor force of unskilled workmen is as important and as indispensable
टू द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज द लेबर फोर्स ऑफ इंजीनियर्स। राइट, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल जॉब्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, राइट, उसमें आप हायरार्की देखते हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक फॉर इंस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें वो बोलते हैं जो अनस्किल्ड वर्कमैन है, राइट, जो अनस्किल्ड लेबर है, हु आर एट द बॉटम ऑफ दैट हायरार्की इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स इज टेकिंग प्लेस, उसमें अगर आप इंजीनियर्स को ऊपर प्लेस कर रहे हो एक अनस्किल्ड वर्कमैन से, तो आप कैसे कह सकते हो कि अनस्किल्ड वर्कमैन की जो ऑक्यूपेशन है दैट इज फंक्शनली लेस इंपॉर्टेंट और इंजीनियर्स आर फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट, और कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, ये तो हमने सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी हम बात कर सकते हैं, मार्क्सिस्ट बोलेंगे सोसाइटी एज अ होल इज नॉट डिटरमाइनिंग विच पोजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज द रूलिंग क्लास, इट इज द डोमिनेंट क्लास विच इज डिटरमाइनिंग विच पोजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट और विच पोजिशन इज फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट एंड देयर बाय डिजर्व मोर रिवॉर्ड्स, राइट। तो अगर हम बात करें, अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट है देन अ फार्मर? देन वाई डज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपेरेटिवली अर्न्स मोर देन अ फार्मर? क्या उनकी आर दे मोर फंक्शनली इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी? नो, वी कांट से सो। क्या हम बोल सकते हैं कि एक फार्मर से फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट एक IAS, एक फार्मर से फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियलिस्ट? तो वो जो है इनका जो ये क्राइटेरिया, ये फेल हो जाता है, देर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सेकेंड, हम बातें करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अ फेमस क्रिकेटर और अ फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, दिस इज द स्पेसिफिक एग्जाम्पल दैट वॉज गिवन बाई मेलविन ट्यूमिन इन इज बुक और इन इज वर्क, राइट। वो बोलते हैं बास्केटबॉल प्लेयर, ए फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, राइट, मैं इसको इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से बोलता हूँ, क्या एक फेमस क्रिकेटर लाइक विराट कोहली सिंस इज गेटिंग मोर रिवॉर्ड्स मोर वेल्थ इन सोसाइटी, इज ही फंक्शनली और क्रिटिकली मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी देन ए सोल्जर और देन ए डॉक्टर? राइट, डॉक्टर जो लाइफ बचाता है, सोल्जर जो अपनी कंट्री का प्रोटेक्ट करता है, क्या हम बोल सकते हैं क्रिकेटर उससे ज्यादा? या फिर एन एक्टर, अ फेमस स्टार ऑफ बॉलीवुड, कैन वी से कि ही इज फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट और क्रिटिकली मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी देन a soldier or farmer or a doctor? No, we can't say so, but still they are getting less pay, less benefits, less privileges, less esteem within the society. First criticism. Second is factors affecting differential distribution of rewards. Kaise distribute ho rahe hain? To functionalists kya assume karte hain ki societies are meritocracy, matlab aapki skill, the people who possess more merit, who possess more skill, who have greater ability or greater talent, and on the basis of this skill they are ranked higher or lower within the stratification system, and thereby differential awards are extended to them on the basis of their differential skills, ability and talent. Isko fir criticize karte hain Tumin, wo bolte hain ki functionalists, they fail to see the role of power in distribution of rewards. वो बोलते हैं कि जो लोग पावर में हैं या जिनके पास ग्रेटर बार्गेनिंग पावर है, एट दोज पीपल हु हैव ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, दे विल गेट मोर रिवॉर्ड्स विद इन द सोसाइटी, राइट। सो दोज विद मोर पावर और ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, दे विल अप्रोप्रिएट मोर रिवॉर्ड्स विद इन सोसाइटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लेट अस टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, राइट। ऑर्गेनाइज वर्कर्स और फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं, दे कंस्टिट्यूट, उनके खुद का प्रेशर ग्रुप होता है, या फिर उनकी ट्रेड यूनियंस होती है, या फिर उनकी क्या है वर्कर्स एसोसिएशन होती है, राइट। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की, लॉयर्स का आप देख लो बार एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन होती है, IAS की खुद की एसोसिएशन है, राइट। सो वी कैन से कि दे हैव ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, दे कैन मोबिलाइज देमसेल्व्स, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर निगोशिएटिंग पावर एंड बार्गेनिंग पावर, दे कुड एक्सट्रैक्ट मोर रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ बेटर वेजेस, इन टर्म्स ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक इंश्योरेंस, पेंशन। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, कैजुअल लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर,
people who are voiceless, who are poor, a rickshaw wala, right, a street vendor, they cannot mobilize themselves, they cannot organize themselves, and they cannot go for collective protests or collective movements. They have less bargaining power or no bargaining power at all. That is why they are not able to extract more rewards from the society, right? So your rewards are proportional to the amount of power you have. The greater the power you have, you will be able to extract more rewards from the society. Third criteria is motivation. So functionalist क्या बोलते हैं, function क्या stratification का, कि stratification acts as an incentive. It motivates the individuals to work hard, right, to acquire a special set of skills and thereby also to perform that occupation or job with utmost efficiency, with higher performances, so that they can get more reward, so that more rewards could be extended to them. So stratification acts as an incentive or it motivates the individual, right? लेकिन इसको क्रिटिसाइज करते हुए वो बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू मोटिवेशन, रादर इट डीमोटिवेट्स इंडिविजुअल्स. ठीक है, वो बोलते हैं कि जैसे क्लोज द सिस्टम की हम बात करें, लाइक कास्ट, ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ कास्ट, जहां पे देर इज नो स्कोप फॉर सोशल मोबिलिटी, राइट. और वो बोलते हैं कि एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ इवन the status which is fixed by birth of even the most talented untouchable will stop him from pursuing his dream career, his dream occupation, his dream job, right? So it is demotivating the individual. It does not act as an incentive, rather it acts as your barrier to social mobility, right? Second, wo bolte hain, even if you assume relatively open systems, for example class systems, वो बोलते इवन देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट, नॉट एवरी वन हैज इक्वल लाइफ चांसेस एंड देयर इज विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रेस, लाइक ब्लैक्स हु आर लाई एट द बॉटम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, दे सफर फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, राइट. उनके सोशल इंडिकेटर्स देखो आप, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखो, say they perform this dead-end menial occupations, they do not have enough money to provide good education for their children, to acquire these skills, plus their health suffers and thereby their cognitive ability suffers, and there is, due to poverty, there are higher dropout rates within the black race, and thereby stratification prevents the person from acquiring skills to nurture their talent, to nurture their abilities, right? So it prevents the individuals to gain social mobility within the society. It keeps the individuals who are at the bottom, right? Or similarly, maine likha nahi hai lekin aap likh sakte ho, right? This you could write down is, even at the people who are at the top or the elites, right, they will make a closed group, right, they will do the most in their capabilities to prevent others from joining the topmost strata, or to prevent themselves from experiencing downward mobility, right? So it becomes a closed strata, right? So baat karte hain yahan pe do systems ki, caste aur race ki specially. To maine dono examples aapko diye hain. Fourth is, whether stratification unite or divides. According to functionalist interpretation, stratification promotes integration within the society because it motivates all the individuals within the society to pursue or achieve or realize or fulfill the collective values or the shared values, to fulfill the value consensus and to attain the collective goals of the society. All the individuals are motivated to work to achieve these collective goals, and they are motivated in terms of rewards. So stratification, it promotes integration, solidarity and unity within the society because it commonly
align all the individuals towards common values, value consensus and collective goals. लेकिन इसको मेलविन ट्यूमन रिजेक्ट करते हैं. वो बोलते हैं कि डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, दैट इज वी कैन से डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स, इट इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग द सोसाइटी इट डिवाइड्स द सोसाइटी, राइट, इट क्रिएट्स कंफ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट अमंग डिफरेंट स्ट्रेटा, स्पेशली द पीपल हु आर डिसएडवांटेज, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड डिसकंटेंटमेंट एंड रिजेंटमेंट अमंग देम, राइट, एंड डिसकंटेंटमेंट माइट लीड टू रिवोल्यूशंस, माइट जनरेट कंफ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी. दैट इज एसेंशियली व्हाट मार्क्स वाज आर्ग्यूइंग फॉर, दैट ऑल द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द वर्कर्स हु वर ओप्रेस्ड, दे शुड कलेक्टिवली यूनाइट and engage in collective protest or collective movements or revolutions which will include bloodshed. So he says it could divide the society. Generally stratification divides the society. It creates suspicion, distrust and conflict among different strata. Aur isko aap link karo, right? See, stratification could also lead to deviance, crime. Humne dekha tha when I was talking about Merton, the innovators, those who are not able to fulfill the culturally defined goals using the institutional means, right, this is what I talked about, they will use the alternative means, they will innovate, they will engage in crime, they will engage in deviance. So unequal opportunities, unequal life chances, especially for the lower strata, it will lead to increasing crime, conflict, hostility, distrust within the society. So crime rates will also go up. और हमने देखा भी था कि division, right? When there is a division and mobility, and when I said कि no system is absolutely open, so the mobility is restricted. And due to this restricted mobility, this strata is developed. So within strata, distinct subcultures also develop, right? So हमने देखा था कि when I was discussing the subcultural theories of deviance, due to the rise of these subcultures, they abandon the mainstream goals and values of the society. So you are talking about the value consensus, but here there is no value consensus. In fact, they are abandoning the collective goals of the society, they are abandoning the collective values of the society, right, they are innovating or generating their own goals and values and assessing and rewarding themselves on the basis of this subculture. So this is where the functionalist theory, it falls flat. राइट, तो मैंने आपको मेलविन ट्यूमन का क्रिटिसिज्म दिया, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से भी, राइट. तो ये हमने फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन देखा. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टॉकिंग अबाउट वेबरियन, मेन हमारा फोकस होगा वेबर्स के अप्रोच पे, और उसको हम पढ़ेंगे आफ्टर मार्क्सियन अप्रोच, क्योंकि मार्क्सियन अप्रोच मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट. तो मैं बेसिकली आई विल ड्रॉइंग अ माइंड मैप, आप उससे I'll just be dictating you, right? You already know. I've already explained when I was talking about Marx. There is nothing more to explain there. I'll just have to dictate it to you, right? Then I'll be talking about Weberian perspective of stratification, which is a kind of revision of Marxian theory of stratification. Or briefly, for 5 minutes, right? Because this is not in syllabus, I will be also be discussing the symbolic approach to stratification, right? So five minutes I'll be giving to symbolic interactionism and Marxist approach to stratification, and most of the lecture will be dedicated to Weber's approach to stratification which is multidimensional, which is not only on the basis of wealth but also on the basis of class, status and power. And he, in his book Economy and Society, he wrote a very famous article and or essay, that is Class, Status and Party. So all these things we'll be discussing in our next lecture.